यज्ञशाला में आए मुनि सहित दोनों भाइयों को स्वयं राजा जनक ने उस स्थान पर बैठाया जो सबसे भव्य और विशाल था। प्रभु को देखकर सारे राजाओं ने हृदय से ऐसे हार मान ली जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे हार मान लेते हैं और प्रकाशहीन हो जाते हैं। रामचंद्र जी के तेज को देखकर सभी को विश्वास हो गया कि वह ही धनुष तोड़ेंगे और इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जी के रूप को देखकर वहां आए सभी राजाओं को यह निश्चित हो गया कि शिव जी का विशाल धनुष अगर किसी से टूट ना पाया तो भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला बिना धनुष तोड़े ही डाल देंगी, यानी कि दोनों तरह से हार ही है और विजय श्री रामचंद्र जी की ही है। यह सोचकर सभी राजा आपस में कहने लगे, हे भाई, अपना यश प्रताप बल और तेज गवाने से अच्छा है हम अपने अपने घर चले जाएं। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, किसी राजा के द्वारा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है क्योंकि इतनी सहजता से हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे और बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी से विवाह कौन कर सकता है। काल भी क्यों ना आ जाए, एक बार सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ऐसी घमंड भरी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरिभक्त थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं का गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे श्री रामचंद्र जी तोड़कर सीता जी को ब्याहेंगे। और रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रणवीर पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। मन में लड्डू फोड़ने से कहीं भूख बुझती है? हमारी परम पवित्र और निष्कपट सीख लो और सीता जी को जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर मान लो और उन्हें अपने नेत्र में भरकर उनकी छवि देखो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रखते हैं वे आज तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। अमृत के सागर को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा क्यों पाल रहे हो? इसके बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो जिसको जो अच्छा लगे वह करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है और अपना जीवन सफल कर लिया। ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा प्रेम में मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए श्री राम जी के दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे। ऐसा सो अवसर देखकर जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सारी चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक सीता जी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए काव्य की सारी उपमाएं तुच्छ हैं क्योंकि उन्हें किसी भी उपमा से
बांधना उनका अपमान करना है। कोई भी स्त्री जिसके साथ सीता जी की तुलना की जाए, जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो सीता जी उनकी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। सभी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सारे आभूषण शरीर पर अपनी अपनी जगह सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जैसे ही सीता जी ने रंग भूमि में कदम रखा, वैसे ही उनका दिव्य स्वरूप देखकर सारे स्त्री पुरुष मोहित हो गए। देवता हर्षित होकर नगाड़े बजाने लगे और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित थी। सारे राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। सारे राजा मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को जैसे ही देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी पर स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज और बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं और वे श्री राम जी को हृदय में धारण कर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहने में सकुचाते हैं और अपने मन ही मन वो विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र ही हर लीजिए और उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए कि जिससे वह बिना विचार किए किया गया अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें तो संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगेगी। हठ करने से अंत में हृदय में पछतावा ही होगा। सारे लोग इसी लालसा में मग्न हैं कि जानकी जी के लिए योग्य वर तो यह सांवले वाले राजकुमार ही हैं। तभी राजा जनक ने भाटों को बुलवाया और वह उनके वंश की कीर्ति गाते हुए आए। राजा ने उनसे कहा, जाओ और मेरा प्रण सबके सामने बताओ। राजा की आज्ञा पाकर भाट चल दिए। उनके हृदय में भी कम आनंद ना था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहना प्रारंभ किया। हे पृथ्वी के पालन करने वाले सारे राजागण, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनक जी का प्रण बताते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह भारी है, कठोर है, यह बात सबको मालूम है। बहुत बड़े से बड़े योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुप्पी साध बैठे और चलते बने। उनके लिए इसे उठाना तो दूर, उन्हें इसे छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसी शिव जी के इस कठोर धनुष को आज यहाँ राज समाज में जो भी तोड़ेगा उसे तीन लोकों की विजय प्राप्त होगी और साथ ही साथ उसका जानकी जी बिना किसी विचार के
वरण करेंगी। राजा जनक का प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जिन्हें वीरता का अभिमान था वे मन ही मन अकुलाकर उठे और कमर कसकर अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चल पड़े। वे बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते, फिर सब तरह से जोर लगाते, पर धनुष उठाना तो दूर, हिला तक नहीं। यह देखकर जिन राजाओं में कुछ विवेक था वे धनुष के पास तक नहीं गए, पर वे मूर्ख राजा धनुष को पकड़ते, परंतु जब वह नहीं उठता तो लजाकर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और भी अधिक भारी होता जा रहा था। तभी 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, फिर भी वह उनके हिलाए नहीं हिला और सारे राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। अपनी कीर्ति, विजय और वीरता, इन सब को सारे राजा धनुष के सामने हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और जाकर अपने अपने समाज में बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो क्रोध भरे हुए थे। मैंने जो प्रण लिया था उसे सुनकर दूर दूर से अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, विजय और कीर्ति पाने का सौभाग्य जैसे ब्रह्मा ने किसी के लिए रचा ही नहीं। पर विचार करने योग्य बात यह है कि यह सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि से उठा भी ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर सब अपने अपने घर जाइए। लगता है ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं अपना प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए मैं क्या करूं। लगता है मेरी कन्या कुंवारी ही रह जाएगी। रंग भूमि में शिव जी का धनुष किसी भी राजा द्वारा ना तोड़ पाने पर जनक दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसा प्रण करके मैं उपहास का पात्र ना बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो गए, परंतु जनक के वचन सुनकर लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब उनसे रहा ना गया तो श्री राम जी के चरण कमलों पर सिर नवाकर वो बोले, रघुवंशियों में कोई भी यदि उपस्थित होता तो उस समाज में ऐसा वचन कोई ना बोलता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, यह उचित नहीं है। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं अपने स्वभाव से कहता हूं, अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं।
हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष क्या चीज है। हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह योजन तक दौड़कर लिए चला जाऊंगा। आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि मैं ऐसा ना कर पाऊं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि मैं फिर धनुष और तरकश को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लक्ष्मण के वचन सुनकर सभी लोग, सभी राजा डर गए, पर सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी और सारे मुनि मन में प्रसन्न हुए और पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे के साथ लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र ने जब सही समय जाना तो अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम, उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में सिर नवाया और उनके मन में ना हर्ष हुआ और ना विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदयाचल पर रघुनाथ जी के बल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल से स्वाभाविक ही चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ ठीक नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ लगी। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। सीता जी की माता रामचंद्र जैसे सुकुमार को धनुष तोड़ने के लिए बढ़ते देख कहती हैं, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वह धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़
उठा सकते हैं? चलो कोई और समझाए या ना समझाए, पर राजा तो समझदार हैं और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा की भी सारी समझदारी समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आती। ऐसा कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान यदि देखने में छोटा हो तो उसे छोटों में गिनना नहीं चाहिए। कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहां अपार समुद्र, किंतु उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया था, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, संदेह त्याग दीजिए, रामचंद्र जी धनुष अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ पर विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भी भयभीत हृदय से सारे देवताओं से विनती कर रही थी। वो व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही तुम्हारी सेवा की थी। मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी हृदय में धीरज धरकर देवताओं को मना रही थीं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे थे और शरीर रोमांचित हो रहा था। नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण लिया है, उन्हें लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मंत्री उनसे डरते हैं, इसलिए कोई उन्हें सिखा भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बहुत अनुचित हो रहा है। कहां यह वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहां ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में कैसे धीरज धारण करूं? सारी सभा बावली हो गई है। हे शिवजी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता छोड़ दो और हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बहुत संताप हो रहा था। समय युगों के समान बीत रहा था। प्रभु श्री राम जी को देखकर सीता जी के नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे थे जैसे चंद्र मंडल रूपी तालाब में कामदेव की दो मछलियां तैर रही हो। नेत्रों का जल उनके कोनों में ही रह जाता है, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता देखकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धारण कर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से
मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम जी मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। यदि सच्चा स्नेह होता है तो वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, वरना रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सीता जी के हृदय की बात जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखा। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे पुलकित होकर सारे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर बोल पड़े, हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वाराह, धीरज रखकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तो सब स्त्री पुरुष और देवताओं ने अपने पुण्यों को याद किया और सब संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का गर्व, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दुख का दवानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक समाज बनकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं था। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और फिर कृपा निधान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें जानकी जी बहुत व्याकुल दिखी, जिनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ? ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम से पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। रामचंद्र को धनुष उठाते, चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा गया, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचकर खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज हाथी चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कश्यप विचलित हो उठे, देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। और जब सबको निश्चित हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है।
धनुष टूटने से जहाज डूब गया और जो मोहवश इस जहाज पर चढ़ा था वह भी उसके साथ ही डूब गया। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर खुशी रूपी भरी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में जोर शोर से नगाड़े बजने लगे और अप्सराएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे थे। किन्नर रसीले गीत गा रहे थे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ी। यहां वहां स्त्री पुरुष सब प्रसन्न होकर कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया। धीर बुद्धि वाले भाट और सुत लोग कीर्ति का बखान कर रहे थे। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे थे। झांझ शंख शहनाई ढोल और नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे थे। यहां वहां युवतियां मंडल गीत गा रही थीं। सखियों सहित रानी अनंत हर्षित हो रही थी, जैसे सूखते हुए वन में जल की वर्षा हो गई हो। जनक जी ने अपनी सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, जैसे तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने किनारा पा लिया हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन निकलते ही दीपक की शोभा चली जाती है। सीता जी के सुख का वर्णन किस प्रकार किया जाए, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है।